नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो पर बात करने वाले हैं कौन सा कस्टम रोम जो है लो रैम को कंज्यूम करता है एंड कौन सा कस्टम रोम इंस्टॉल करने के बाद आपका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी जो है अच्छा देने को मिलता है, मतलब कौन सा कस्टम रोम के साथ आपका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी बढ़िया देने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर सिंपल पहले मैं बताना चाहूँगा कौन सा कस्टम रोम के ऊपर जो है आपको काफ़ी अच्छा जो है रैम मैनेजमेंट देने को मिलता है, कौन सा कस्टम रोम जो है लो रैम को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा प्योर ईओएसपी रोम। अगर आप एक प्योर ईओएसपी रोम यूज़ करोगे तो उसके अंदर जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी कम देने को मिलेगा। स्पेशली अगर जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे हमारे पास जो MI2 डिवाइस है इसके ऊपर हमने जो ईओएसपी एक्सटेंडेड रोम है उसे इंस्टॉल किया है, एज वेल हमारे पास यहाँ पर जो है पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है, तो आपको पिक्सल एक्सपीरियंस, उसके बाद आपका जो लाइनेज ओएस है, एडो ओएस है, एज वेल जो ईओएसपी एक्सटेंडेड रोम है, सभी रोम्स के ऊपर जो आपको रैम मैनेजमेंट है काफ़ी बढ़िया देने को मिलेगा। तो अगर आपको काफ़ी अच्छा जो है रैम मैनेजमेंट चाहिए तो इसमें जो प्योर ईओएसपी कस्टम रोम है उसे ट्राई कर सकते हो। पोर्ट रोम को ट्राई मत करना, MIUI DMUI के ऊपर जो रैम मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड ट्राई करना ऐसा रोम को यूज़ करने जिस रोम के ऊपर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन देने को ना मिले, जैसे कि यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस रोम है इसके ऊपर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन देने को नहीं मिलता, एकदम मिनिमल कस्टमाइजेशन देने को मिलता है। इसलिए जो है कस्टमाइजेशन ना होने के कारण वो सभी जो एप्लीकेशन है, वो जो सब जो ऑप्शन है वो दोस्तों बैकग्राउंड में नहीं चलता है, इसलिए जो है आपको काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पर रैम मैनेजमेंट देने को मिल जाती है। जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो सभी एप्लीकेशन को आप अनइंस्टॉल कर लीजिएगा, एज वेल का जो रैम है वो ज़्यादा स्पेस ना घेरे। अगर आपका रैम को अगर फ्री करना चाहते हो तो सिंपली आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते हो उस एप्लीकेशन में जाके आप जो फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है इसमें जाके यहाँ पर ओके में टैप करना, तो ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड में रन नहीं होगा। बैकग्राउंड में अगर आपका एप्लीकेशन रन नहीं होगा तो आपका जो रैम है दोस्तों यूज़ नहीं होगा, रैम का जो कंज्यूम है वो भी कम हो जाएगा, एज वेल आपको जो बैटरी बैकअप है ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपका जो रैम है रैम के ऊपर भी आपका जो बैटरी बैकअप डिपेंड करेगा। प्लस यहाँ पर आपको मालूम चल गया कौन सा कस्टम रोम के ऊपर जो है आपको काफ़ी बढ़िया जो है रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है, मेनली जो आपका ईओएसपी रोम है, लाइनेज ओएस, उसके बाद आपका पिक्सल एक्सपीरियंस है, सभी रोम के ऊपर जो है आपको ज़्यादा अच्छा रैम मैनेजमेंट देने को मिलता है। मैंने यहाँ पर डिफरेंट कस्टम रोम को ट्राई किया है, कस्टम रोम को ट्राई करने के बाद ही मेरा जो ओपिनियन है यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका जो ओपिनियन है दोस्तों डिफरेंट हो सकता है, जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा आपका ओपिनियन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन सा कस्टम रोम के ऊपर आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप देने को मिलता है। नाउ बैटरी बैकअप जो है ये आपका डिपेंड करता है आपके फ़ोन का जो बैटरी का कैपेसिटी उसके ऊपर। अगर आपका बैटरी काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है तो आपका जो बैटरी है उसे आपको रिप्लेस करना होगा। अगर आप बैटरी को रिप्लेस नहीं करते हो तो आप कोई भी कस्टम इंस्टॉल कर लो, सभी के ऊपर जो परफॉर्मेंस है आपको बढ़िया देने को नहीं मिलेगा। बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका बैटरी बैकअप कैसा होगा। अगर आपका बैटरी काफ़ी पुराना हो चुका है तो डेफिनेटली आपका जो बैटरी है उसे आपको रिप्लेस करना होगा, वरना आपको सभी कस्टम रोम के ऊपर आपको सेम जो है बैटरी बैकअप के ऊपर एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन रहेगा, अगर आप एक स्टॉक रोम की यूज़ करोगे, स्टॉक रोम के ऊपर ज़्यादा अच्छा आपको जो है बैटरी बैकअप देने को मिलता है मेरे हिसाब से। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो भी आप जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। बेसिकली स्टॉक रोम जो होता है उसके ऊपर आपको ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देने को मिल जाएगा मेरे यूज़ के हिसाब से। एंड पिक्सल एक्सपीरियंस का भी बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया है, एज वेल सभी USB जो कस्टम रोम है उसके ऊपर आपको जो है बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया देने को मिल जाएगा। एंड कैप बेस्ड जो कस्टम रोम अवेलेबल है उसका भी बैटरी बैकअप एंड ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बढ़िया देने को मिलता है। बेसिकली बैटरी बैकअप के रिलेटेड जो है ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, आपका जो बैटरी का यूजर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको किस तरह से बैटरी बैकअप देने को मिलेगा। अगर आप काफ़ी जो है गेम्स खेलते हो, काफ़ी जो है एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो बैटरी बैकअप डेफिनेटली आपको कम देने को मिलेगा। बट ये डिपेंड करेगा आपकी यूजेस के ऊपर, आप किस तरह से जो है अपने फ़ोन की यूज़ करते हो एज ए डेली लाइफर। तो अगर आपका फ़ोन का बैटरी काफ़ी पुराना हो चुका है तो डेफिनेटली जो है चेंज कर लीजिएगा, और अगर आप चाहो तो डिफरेंट कर्नल को भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको डिफरेंट कर्नल के साथ जो है आपको डिफरेंट जो है बैटरी एक्सपीरियंस देने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ओवरऑल अगर आपको एक बेस्ट कस्टम रोम चाहिए जिसका जो है रैम मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया हो तो पिक्सल एक्सपीरियंस, एडो एज, लाइनस ओएस और USB एक्सटेंडेड। और अगर आपको एक बेहतरीन बैटरी बैकअप वाला रोम चाहिए तो सबसे पहले आपका जो फ़ोन का बैटरी है उसे आप चेंज कीजिए, उसके बाद जो है स्टॉक रोम को ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है डिफरेंट कर्नल को ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है पिक्सल एक्सपीरियंस एंड जो ईओएसपी रोम है उसे आप ट्राई कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, आपका जो ओपिनियन है जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।